हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे, भारत की विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि मैंने कल पोल के माध्यम से आपसे पूछा था कि आपको इस पर वीडियो चाहिए कि नहीं, तो इसका जवाब आया था, बहुत से लोगों ने पोल पर मुझसे कहा था कि हाँ वीडियो बनाया जाए, तो मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप लोग इसे एक प्रैक्टिस सेट के रूप में लीजिएगा और क्विज के फॉर्म में लीजिएगा। मैं ये जो क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, तो आप लोग कमेंट में अपना आंसर मुझे बताइएगा और इसे टेस्ट की तरह से लीजिए, जिससे आपकी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी हो सके। इन क्वेश्चन को जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन्हें मैं डिस्कस करती जाऊँगी, और इस वीडियो को देखने के बाद इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी मादक द्रव्यों की तस्करी, ऑप्शन सी समुद्री लूटपाट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से, इन तीनों ऑप्शन में से कौन से हैं जो गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं। क्या ये जलवायु परिवर्तन है, क्या ये गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं, क्या ये समुद्री लूटपाट है, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए, उपरोक्त सभी इसलिए है क्योंकि ऑप्शन डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, गैर परंपरागत सुरक्षा के जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट, आतंकवाद आदि प्रकार की चुनौती उत्पन्न करते हैं और इसे गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे के रूप में जाना जाता है। किसको? जलवायु परिवर्तन को, मादक द्रव्यों की तस्करी को और समुद्री लूटपाट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी इजराइल। ये क्वेश्चन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2016 में पूछा गया है। आपको बताना है कि इन चारों देशों में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईरान। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है। कब किया? 1968 में एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि की हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है ईरान, जो कुछ परमाणु तकनीकी लाभ और सहयोग के बदले में परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगाता है। ये जो परमाणु अप्रसार संधि है, ये क्या करता है? परमाणु तकनीकी लाभ और सहयोग के बदले में परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में पूछा गया है और ये एग्ज़ाम हुआ था 28 सितंबर को 2016 में। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए 2015 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी 2001 अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी 1991 पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन डी 2011 मनमोहन सिंह और ऑप्शन ई 1997 इंद्र कुमार गुजराल। आपको बताना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जब सामरिक साझेदारी समझौता हुआ था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनमोहन सिंह थे। 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक समझौता हुआ था और ये कब हुआ था? 4 अक्टूबर 2011 को, और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हादिम करजई
कि भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठक में सामरिक मामले, खनिज संपदा की साझेदारी और तेल गैस की खोज पर साझेदारी संबंधी 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व कौन सा ऑप्शन नहीं करता है? ऑप्शन ए है उपनिवेशी विरोध, उपनिवेशवादी विरोध। ऑप्शन बी है पंचशील। ऑप्शन सी है गुटनिरपेक्षता। ऑप्शन डी है गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग। ऑप्शन ई है राष्ट्रमंडल के साथ संबंध बनाए रखना। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको एग्ज़ाम का नेचर पता चलता है कि एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो के आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, कितने लोग इसको पसंद करते हैं, कितने लोग इसे देखेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि मैं इसके अन्य पार्ट्स भी आपके सामने लेकर आऊँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग। ये भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बाकी उपनिवेशवादी विरोध, पंचशील, गुटनिरपेक्षता, राष्ट्रमंडल के साथ संबंध बनाए रखना, ये सब भारतीय विदेश नीति की विशेषता है। लेकिन गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग करना, ये भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत की परमाणु सिद्धांत पे यह प्रावधान किया गया है कि भारत गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ कभी भी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा और परमाणु संपन्न राज्यों के खिलाफ पहले परमाणु हथियार का उपयोग भी नहीं करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अपना आंसर कमेंट करते रहा करिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता, आपको अब बताना है कि पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है इन सभी ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है परमाणु प्रसार। ऑप्शन बी है अखंडता और संप्रभुता के बीच आपसी सम्मान। ऑप्शन सी है पहले प्रयोग नहीं। ऑप्शन डी है सबसे पसंदीदा राष्ट्र। और ऑप्शन ई है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन। ये क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ PCS असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में पूछा गया है। आपको बताना है कि इसमें से पंचशील की कौन सी विशेषता है, इन सभी ऑप्शन में से पंचशील की कौन सी विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। 29 अप्रैल 1954 में भारत एवं चीन के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए कब हुआ था पंचशील समझौता, ये बताया जा रहा है। 29 अप्रैल 1954 में भारत एवं चीन के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए, अटूट बनाने के लिए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस पंचशील, ये जो पंचशील समझौता थे, ये 5 सिद्धांतों पर आधारित था। ये 5 सिद्धांत कौन कौन से थे? पहला था अखंडता एवं संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान। दूसरा था अहस्तक्षेप की नीति। तीसरा था अनाक्रमण। चौथा था पारस्परिक सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। और 5वां था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की पहल की शुरुआत हुई थी? आपको बताना है कि जब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की शुरुआत की, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या ये जवाहरलाल नेहरू थे? क्या ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी? क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी थे? क्या ये मनमोहन सिंह थे? या फिर PV नरसिंह राव थे? आपको बताना है कि जब लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की पहल की शुरुआत हुई, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ई, PV नरसिंह राव। जब लुक ईस्ट पॉलिसी की विदेश नीति की शुरुआत हुई, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री CPV नरसिंह राव थे। और 1991 में CPV नरसिंह राव के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई। यह नीति क्या थी, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी?
यह नीति भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं सामरिक संबंधों को विस्तार देने के लिए और भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और इस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्यों से लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति बनाई गई थी, जो कि भारत की विदेश नीति के रूप में इसे अपनाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा, मैंने इसी वीडियो में आगे पहले डिस्कस किया है। क्या ये भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था? क्या ये बांग्लादेश और श्रीलंका के मध्य हुआ था? क्या ये बांग्लादेश और चीन के मध्य हुआ था? क्या ये भारत और चीन के मध्य हुआ था या फिर श्रीलंका और चीन के मध्य हुआ था? आपको बताना है कि पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता किया गया था। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए इम्पोर्टेंट तो है नहीं, मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया है कि भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता किया गया था, जो कि 5 सिद्धांतों पर आधारित था। ये 5 सिद्धांत थे, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और सत्ता का सम्मान करना, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, पारस्परिक सहयोग एवं शांतिपूर्ण एवं सह अस्तित्व की नीति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बान की मून जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, निम्नलिखित में से किस देश से बिलोंग करते हैं? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे बान की मून, वो किस देश के थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी मंगोलिया। ये क्वेश्चन भी यूपी असिस्टेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, दक्षिण कोरिया से ये रिलेट करते थे और ये संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव रहे हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, महासचिव के से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको नाम दे दिया जाएगा महासचिव का, पूछा जा सकता है कि ये किस क्रम के महासचिव थे, तो ये सब फैक्ट्स भी आप लोग चाहें तो नोट डाउन करते हुए चलिए। बान की मून का संबंध था दक्षिण कोरिया से और ये संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड या कोष की स्थापना की थी? आपको बताना है भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। आपको बताना है भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव गांधी। राजीव गांधी ने अफ्रीका फंड की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पीवी नरसिंह राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था? ये देखिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पीवी नरसिंह राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ष 1995-96 के लिए विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से, ऑप्शन बी सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में, ऑप्शन सी 1995 में आसियान के पूर्व वार्ता भागीदार के रूप में भारत का स्थान ऊंचा होने के अवसर पर, ऑप्शन डी जनवरी 1992 में जब भारत आसियान का क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बना। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि पीवी नरसिंह राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में। लुक ईस्ट पॉलिसी को भारत ने पूर्व एशिया में अपने आर्थिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थों के लिए विकसित किया था। किसके लिए? पूर्व एशिया में अपने आर्थिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थों के उद्देश्य से इसे विकसित किया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी को, और इसे पहली बार सीपीवी नरसिंह राव ने सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने।
निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था? आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन 2018 में। ये जो जितने वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ वे सिर्फ UPGIC या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है। ये आपके DSSC PGT एग्ज़ाम, स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम, RPSC लेक्चरर एग्ज़ाम जो होता है जिसका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है जिन्होंने लिया है, या फिर UGC नेट एग्ज़ाम जिनका भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस का ही तो एक हिस्सा है सिविक्स, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे ध्यान से देखिए। सभी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स जो इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, लाइक ज़रूर से किया करिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जब 1977 में प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने USA और USSR से समान दूरी बरतने के उद्देश्य से विशुद्ध गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैंने पहले ही इसी वीडियो में डिस्कस किया है कि पंचशील के 5 सिद्धांत कौन थे। तो आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यथार्थतावाद। यथार्थतावाद पंचशील के सिद्धांत का विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी का आर्थिक सहयोग संघ और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लाई हूँ वो कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको भी मैंने मेंशन किया इन सभी क्वेश्चन में, तो आप लोग देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जिन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें भी मेंशन कर दिया है क्वेश्चन के नीचे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना किया था। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे SAARC भी कहा जाता है, की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसके संस्थापक सदस्य में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं, लेकिन अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। और इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। देखिए ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान को SAARC में कब शामिल किया गया। ठीक है, तो 2007 में, अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में SAARC के सदस्य देशों में मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1981 के बेलगर सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो 1981 का बेलगर सम्मेलन हुआ था उसमें कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी 39। देखिए ये क्वेश्चन UPGPT एग्ज़ाम में पूछा गया है। आपको बताना कि 1981 में जो बेलगर सम्मेलन हुआ था उसमें कितने राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 राष्ट्रों ने। वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी, जिसकी स्थापना मुख्यतः भारत, मिस्र, युगोस्लाविया और इंडोनेशिया द्वारा की गई थी और इसके पहले सम्मेलन में 25 अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण एशियाई सहयोग के लिए दक्षिण एशिया सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? ऑप्शन ए 19 दिसंबर, ऑप्शन बी 19 सितंबर, ऑप्शन सी 12 दिसंबर, ऑप्शन डी 12 सितंबर। आपको बताना है कि दक्षिण एशिया सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 सितंबर। विकासशील देशों के मध्य आपसी सहयोग की संकल्पना दक्षिण दक्षिण सहयोग है। विकासशील देशों के मध्य जो आपसी सहयोग की जो संकल्पना है उसे ही दक्षिण दक्षिण सहयोग कहा जाता है। उत्तर दक्षिण संवाद को कारगर बनाने के लिए दक्षिण दक्षिण सम्मेलन भी आयोजित किए गए और यह दिवस मूल रूप से 19 दिसंबर को मनाया गया था, परंतु दक्षिण दक्षिण सहयोग के दिन संयुक्त राष्ट्र ने 12 सितंबर 2011 को अपनाया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने इसे दक्षिण दक्षिण सहयोग को 12 सितंबर 2011 को अपनाया था, इसलिए यह अब 12 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति के अंतिम रूप कौन प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन UPPGT 2006 एग्जाम में पूछा गया है, जो कि 1 फरवरी 2019 में हुआ था। आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रदान करते हैं क्योंकि कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, इसलिए विदेश नीति को अंतिम रूप भी वही प्रदान करते हैं। और कुछ मामलों में जैसे युद्ध की घोषणा या राजनयिकों की नियुक्ति में सीनेट का समर्थन करना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची मिलान का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, देख लीजिए आप लोग, मैं पढ़ दे रही हूँ। आपको बताना है सार्क के जो प्रमुख संस्थान हैं और उनसे रिलेटेड देश, मतलब ये कहाँ पे ये संस्थान स्थापित हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो ए है सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र, बी है सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र, ऑप्शन सी है सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र और सार्क एशियाई सूचना केंद्र, और इनके सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सूची मिलान कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, जो सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र है वो बांग्लादेश में लोकेटेड है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ है, पाकिस्तान में लोकेटेड है, सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र कहाँ है, मालदीव में, और सार्क एशियाई सूचना केंद्र है नेपाल में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए। ये क्वेश्चन उत्तराखंड GIC लेक्चर एग्जाम में पूछा गया है, 2018 में हुआ था, कि भारत ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए थे। आपके ऑप्शन ए 1989 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1996 में, ऑप्शन डी 1998 में। आपको बताना है कि भारत ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1992 में भारत ने इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। आपको बताना है कि फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। क्या ये ऑप्शन ए है आर्टिकल 39, क्या ये ऑप्शन बी है आर्टिकल 38, क्या ये ऑप्शन सी है आर्टिकल 49, क्या ये ऑप्शन डी है आर्टिकल 48। क्वेश्चन UPPGT एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 39। फ्रांसीसी संविधान का आर्टिकल 39 प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। देखिए 1791 में फ्रांस का पहला संविधान अपनाया गया था और बाद में इस राज्य में एक नए मौलिक अधिकार को एक बार फिर से स्वीकृत किया गया था। तो फ्रांस का वर्तमान संविधान जो कि 4 अक्टूबर 1958 को अंगीकार किया गया था, इसका जो आर्टिकल 39 है वो प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल की अनुमति प्रदान करता है। ये क्वेश्चन UPPGT एग्जाम में पूछा गया है। मैंने
एग्ज़ाम, किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी मेंशन किया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2016 में भारत और चीन द्वारा समग्र चीन भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए तथा पर्यटन गतिविधियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का फैसला किया गया था, जिसके उपरांत वर्ष 2015 चीन में भारत भ्रमण वर्ष समारोह के सफल समापन के पश्चात वर्ष 2016 में भारतीय पर्यटकों के लिए चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सातवां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी कोलंबो। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना कि सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने यह निश्चय किया था कि विश्व के वे किसी भी पावर ब्लॉक के साथ या विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री या जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ बराज टीटो आदि ने मिलकर किया था। वर्ष 1998 में सातवां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। जो सातवां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था वो वर्ष 1998 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो यही था इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उदार दर्शन, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट दर्शन, ऑप्शन सी धर्म दर्शन, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक दर्शन। ये भी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चीन की विदेश नीति मुख्यतः चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख माओ ज़ेडोंग की विचारधारा पर आधारित है। अगर आपको माओ ज़ेडोंग की विचारधारा का वीडियो देखना है कि इनकी विचारधारा क्या थी डिटेल में देखना है, तो मैंने अपने चैनल पे इनका वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। जो चीनी राष्ट्रपति शियाओपिंग द्वारा प्रारंभ की गई आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण की नीति के पश्चात वर्तमान दशकों में वहां की विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत कम्युनिस्ट दर्शन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालीन प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? जब विदेश नीति में लंबी और अल्पकालीन प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? कि ऑप्शन, ऑप्शन ए राष्ट्रीय कानून, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हित, ऑप्शन सी परिवर्तनीय हित, ऑप्शन डी शांति समझौता। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। आपको बताना है कि विदेश नीति में लंबी और अल्पकालीन प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय हित। देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी की गई अपने हितकारी रणनीतियों का समूह होती है, ठीक है। और इन रणनीतियों का उद्देश्य क्या होता है? अल्पकालिक और दीर्घकालिक हितों को प्राप्त करना। विदेश नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए दोनों स्तर पर प्रयास किए जाते हैं। तो मेनली फोकस किस पे किया जाता है विदेश नीति के अंतर्गत? अपने राष्ट्र के अल्पकालीन और दीर्घकालीन सभी राष्ट्रीय हितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण का है, तर्क दिया गया है, अभिकथन दिया गया है। अभिकथन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। और तर्क दिया जा रहा है कि समझौते में कहा गया है कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। आपको बताना है कि अभिकथन और तर्क सही हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है, ठीक है, दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन
UGC नेट एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों ए सही है? क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को संपन्न हुआ था, इसलिए ए सही है। और इसमें भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए थे। इसके अंतर्गत यह तय किया गया था कि दोनों देश अपने संघर्ष और विवाद समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तथा यह वचन भी दिया गया था कि उपमहाद्वीप में अस्थायी मित्रता के लिए कार्य किया जाएगा और दोनों देश सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी बातचीत करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी, ना कि अन्य देशों को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से अभिकथन गलत हो सॉरी तर्क गलत हो गया, अभिकथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? भारत ने जब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता किया तो इसके अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? ऑप्शन ए चेनाब रावी ब्यास, ऑप्शन बी रावी ब्यास सतलज, ऑप्शन सी ब्यास सतलज झेलम, ऑप्शन डी रावी झेलम चेनाब। ये क्वेश्चन UGC नेट एग्ज़ाम जो कि जून 2019 में हुआ था उसमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत पाकिस्तान के साथ जब सिंधु जल समझौता हुआ था तो भारत का जो अनन्य अधिकार है रावी ब्यास और सतलज नदी पर है। देखिए सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था और इसके अंतर्गत सिंधु नदी घाटी की नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। समझौते के हिसाब से सिंधु झेलम और चेनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए सिंधु झेलम और चेनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इसका पानी पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया और जबकि रावी ब्यास और सतलज को पूर्वी नदियां बताते हुए इन पर भारत का अनन्य अधिकार तय किया गया। तो भारत के क्षेत्राधिकार में किन नदियों का पानी है? रावी ब्यास और सतलज का। और पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार में किन नदियों का पानी है? सिंधु झेलम और चेनाब का। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और इस लिहाज से ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो PGT का एग्ज़ाम हो, DSSC PGT का एग्ज़ाम हो, या फिर नेट एग्ज़ाम हो, या फिर UPGIC या GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हो। इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि भारत की विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए आपको आप लोग अपना कमेंट जरूर से शेयर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए इन 25 क्वेश्चन में से, और इस वीडियो के रिस्पांस पे ये निर्भर करेगा कि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आपके सामने लाऊं। अगर आप लोग इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दूँ या नहीं दूँ। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। ट्राइडेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने देखा है बहुत लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और आप लोग इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के ग्रुप के माध्यम से आप लोग इन वीडियो को शेयर करिए ताकि आप ही की तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा आपसे इजाज़त लेती हूँ, अगले वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।